ओटाकूस व्हाट्सअप, वेलकम टू अवर चैनल मिस्टर एंड ओटाकू। तो आज हम बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन मूवी की रिलीज डेट और फुल डिटेल्स के बारे में, लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, कि मैं आपको मूवी में क्या क्या होने वाला है इस सब के बारे में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को देखिएगा अपने रिस्क में। तो चलिए शुरू करते हैं। रूमर्स के अकॉर्डिंग डीमन स्लेयर मूवी सितंबर के आसपास रिलीज हो सकती है, बट अगेन ये सिर्फ रूमर्स है जो सच भी हो सकता है और गलत भी। तो मूवी के प्लॉट की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको स्पॉइलर वार्निंग दे दूं, क्योंकि मैं आपको मूवी में क्या क्या होगा वो सब बताने वाला हूं, जिसमें एक कैरेक्टर की डेथ भी है इन्वॉल्व है। तो अपने रिस्क में आके देखिए। तो फिर शुरू करते हैं। टांजिरो जेनसु इनुस्के ट्रेन में फ्लेम हशिरा क्योजोरो रेंगो को ढूंढते हैं, जो उन्हें खाना खाते हुए दिखता है, जिसके बाद टांजिरो उसके साथ बैठ जाता है और उससे हिनोगामी कागुरा या फिर डांस ऑफ फायर गॉड के बारे में पूछता है, जो उसे ज्यादा कुछ नहीं बताता और उसे अपना सक्सेसर और स्टूडेंट बनने के लिए बोलता है। फिर ट्रेन का कंडक्टर आता है टिकट चेक करने के लिए, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं लगती। उसके तुरंत बाद एक डीमन बाहर निकल के आता है, जिसे रेंगो को फ्लेम ब्रीथिंग की फर्स्ट फॉर्म का यूज करके मार देता है, जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं और उनको सुलाने में स्लीप डीमन एनमो का हाथ होता है, जो उन्हें उनके ड्रीम में मारने की प्लानिंग करता है और उसने कुछ लोगों को मैनिपुलेट कर रखा होता है। रेंगो को अपने सपने में अपने पापा को देखता है और उसे बताता है कि वो एक हशिरा बन गया है, जिसके जवाब में उसके पापा भी बोलते हैं कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उसे उसका छोटा भाई सेंजुरो मिलता है और वो पापा के बारे में बात करते हैं कि वो पहले तो ऐसे नहीं थे। वहीं जेनसु अपने सपने में खुद को नेजुको के साथ देखता है और इनुस्के अपने सपने में तांजिरो नेजुको और जेनसु को जानवरों के रूप में देखता है, जहां वो उन्हें ऑर्डर देते हुए दिखता है। तांजिरो अपने सपने में अपनी फैमिली को देखता है, जिन्हें देखकर वो खुश हो जाता है। वहीं रियल वर्ल्ड में जिन लोगों को एनमो ने मैनिपुलेट कर रखा था, वह एनमो की दी गई रूप से खुद को तांजिरो नेजुको इनुस्के जेनसु से बांध देते हैं, जिससे वो उनके ड्रीम में एंटर कर सकें, जहाँ उन्हें उन सबके स्पिरिचुअल कोर को डिस्ट्रॉय करना होता है, जिसकी वजह से उन सबको मारने में आसानी होगी। लेकिन जो लड़की रेंगो के सपने में घुसती है, जैसे ही वो उसका कोर डिस्ट्रॉय करने वाली होती है, रियल वर्ल्ड में रेंगो को उसका गला पकड़ लेता है, भले ही वो उठता नहीं। वहीं तांजिरो को अपने सपने में पानी भरते हुए खुद को देखता है, जो उसे बताता है कि ये एक ड्रीम है, उन पर हमला हुआ है, तुम्हें उठना होगा। वहीं रियल वर्ल्ड में नेजुको अपने बॉक्स से निकलकर तांजिरो को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन उठा नहीं पाती। सपने में तांजिरो के पापा भी दिखते हैं, जो उसे सपने से बाहर निकलने की हिंट देते हैं, जिसके बाद वो सपने में अपने आप को मार देता है और उठ जाता है। लेकिन जो लड़का उसके सपने में आता है, वो उसका स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय ही नहीं कर पाता। वहीं जेनसु और इनुस्के के सपने में जो लोग उनके स्पिरिचुअल कोर डिस्ट्रॉय करने आए थे, वो उनको पकड़ लेते हैं। फिर तांजिरो नेजुको को बाकी सबको प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है और खुद एनमो से लड़ने के लिए ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है, जहां एनमो उसे बताता है कि उसने अपना ब्लड टिकट छपी हुई इंक से मिला दिया था, और जैसे ही कंडक्टर ने उनके टिकट को पंच करके उसमें कट मार्क लगाया, उसकी टेक्निक एक्टिवेट हो गई और उसने अपने आप को ट्रेन के साथ फ्यूज कर लिया है। फिर वो दोनों लड़ाई करते हैं, फिर एक एक करके जेनसु इनुस्के और रेंगो को उठ जाते हैं, जिसके बाद रेंगो को तांजिरो को बोलता है कि ट्रेन में 8 कार्ड्स हैं, 3 को तुम्हारी बहन और येलो हेयर वाला लड़का संभाल रहे हैं, बाकी 5 को मैं संभालता हूँ, तब तक तुम और बोर हेड बॉय डीमन की नेक को ढूंढो। जिसके बाद वो दोनों इनुस्के की मदद से ट्रेन के इंजन रूम में पहुँच जाते हैं, जहाँ वहाँ का ड्राइवर भी होता है। फिर उन्हें नेक मिल जाती है और वो उसे काटने की कोशिश करते हैं, पर बार बार फेल हो जाते हैं। फिर तांजिरो डांस ऑफ फायर गॉड का इस्तेमाल करके उसकी नेक काट देता है, लेकिन वहाँ खड़ा ड्राइवर तांजिरो को चाकू मार देता है, जिसके चलते वो इंजर्ड हो जाता है, पर एनमो मर जाता है और मरते हुए उन पांचों को कोसता है। तांजिरो फिर इनुस्के को उस ड्राइवर को बचाने के लिए बोलता है, तब तक वहाँ रेंगो को भी आ जाता है, जो तांजिरो को उसकी ब्लीडिंग को रोकना सिखाता है। अचानक वहाँ अपर मून 3 डीमन अकाजा आ जाता है, जो तांजिरो पर हमला करने वाला होता है कि तभी रेंगो को उसका हार्ट काट देता है। रेंगो को और वो बातें करते हैं, लेकिन फिर उनके बीच की बैटल शुरू हो जाती है, जहां अकाजा बार बार रेंगो को वो डीमन बनने के लिए बोलता है। उधर तांजिरो अपनी चोट और तलवार खोने देने के कारण लड़ नहीं पाता और इनुस्के उनकी फास्ट मूवमेंट की वजह से कुछ नहीं कर पाता। वहीं बुरी तरह से घायल होने के बाद भी रेंगो को पीछे नहीं हटता और फाइनली अकाजा अपना हाथ उसके पेट के आर पार घुसा देता है। फिर रेंगोको को उसकी माँ की बातें याद आती हैं, जो उसे बोलती हैं कि वो इतना स्ट्रांग इसलिए पैदा हुआ है ताकि वो कमज़ोरों की मदद कर सके। इसके बाद वो अपनी तलवार अकाजा के गले में मारता है और दूसरे हाथ से उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है, क्योंकि सुबह होने वाली होती है और ताकि वो भाग ना सके।
दूसरी तरफ तंजीर और अनुष्के भी रणगोगो की मदद के लिए दौड़ते हैं और उसके हाथ काट देते हैं, जिसके चलते सूरज से बचने के लिए अकाजा वहाँ से भाग जाता है। पर तांजिरो अपनी तलवार उस पर फेंकता है जो उसके आर पार हो जाती है, जिसके बाद रणगोगो तांजिरो को आखिरी बार बात करने के लिए बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मेरे घर जाना चाहिए। वहाँ नोट्स पड़े हैं जिसमें फ्लेम पिलर्स के बारे में छपा हुआ है। मेरे पापा उन्हें कभी कभी पढ़ लेते हैं पर मैंने कभी नहीं पढ़ा, इसलिए मुझे नहीं पता उनके अंदर क्या है। मुझे लगता है कि तुम्हारे डांस ऑफ फायर गॉड के बारे में उसमें कुछ होगा। तांजिरो उसे बात करने से मना करता है और अपनी ब्लीडिंग रोकने को बोलता है, लेकिन रणगोगो बोलता है कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, मैं जल्दी मरने वाला हूँ। जिसके बाद वो उन सब की तारीफ करता है और तांजिरो को बोलता है मुझे तुम्हारी बहन पर भरोसा है। फिर उसकी माँ उसे दिखती है, जिससे वो पूछता है कि क्या मैंने अपनी जॉब सही तरीके से की, और उसकी माँ जवाब देती है हाँ, और फिर वो वहीं मर जाता है। सुबह हो चुकी होती है और उनकी मदद के लिए डेमन स्लेयर कॉर्प्स के लोग आ जाते हैं। रणगोगो की डेथ की न्यूज़ उबीवा शिकी और बाकी हाशिराज को मिल जाती है। दूसरी तरफ अकाजा मुजान के पास जाता है जो छोटा बच्चा बना हुआ होता है, मतलब छोटे बच्चे की फॉर्म में होता है, और अकाजा उससे कहता है कि वो ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ नहीं पाया पर उसने एक डीमन हंटर को मार दिया। इसके जवाब में मुजान उसे डांटता है और कहता है कि वहाँ 3 और डीमन स्लेयर थे, तुमने मुझे डिसअपॉइंट किया है। वहीं तांजिरो बिना रेस्ट किए रणगोगो के घर चला जाता है, जहाँ वो रणगोगो के पापा से लड़ पड़ता है। फिर रणगोगो का छोटा भाई सेंचुरो से बातें करता है, जो उसे वो नोट्स देता है, लेकिन वो उन्हें खोलते हैं तो देखते हैं कि नोट्स की कंडीशन ख़राब है, जिसकी वजह से वो उन्हें पढ़ नहीं पाते। फिर तांजिरो वहाँ से चला जाता है और ये आर्क यहीं कंप्लीट होता है। इस आर्क में काफ़ी अच्छे मोमेंट्स है, जो जिस तरह का इस सीरीज का एनिमेशन है उसमें देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगेंगे। इसमें कॉमेडी है और इस आर्क के लिए मूवी का डिसीजन सही है, क्योंकि इसमें 16 चैप्टर हैं, जिसको अगर एपिसोड में दिखाते तो 7-8 एपिसोड लग जाते इसे ख़त्म होने में। ऊपर हर एक एपिसोड एक हफ्ते बाद रिलीज़ होता है, जिससे व्यूअर्स को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन मूवी में आपको स्पेशल मोमेंट्स के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और फाइट तो कमाल की होगी ही। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ना करने की भूल तो बिल्कुल भी ना करें। साथ ही बगल में दिए गए घंटी के आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।